हूँ कैमरा छुपा के वीडियो बनाई, उसमें वो वाकई वो कह रही थी आपने मेरी वीडियो क्यों फिर भी लीक कर दी, लग दी मठी मठी शरीका नु आके लग दी मठी मठी। अब उसने चेंजिंग चाहिए अपने व्लॉग में, उस पर बच्चों को डोनेशन से कपड़े मिल जाते होते हैं जिस तरह के ये लेके देती है। देखें जी वालदैन का दिया हुआ ना वो बड़ा प्यारा होता है कि करिश्मा कपूर की लुक क्रिएट की सितारा ने, चम्बूटी काटो खुद बने गंजे सलमान खान पहन के आया। उन्होंने यार तो करिश्मा बनी है ना तो मैं भी फिर लो बनूंगा है सलमान खान की मूवी के थक गया। उसने कहा काम तुमने खुद बढ़ाए हैं दो ब्याह करके हैं, मैं बीवी नंबर वन हूँ तो मुझे इनाम भी दो, मुझे साड़ी खरीद के दें अपने पैसों से, मैं संभाल के रखूंगी और बस मेरे फूलों को याद करती रहूं। उल्टा बटन लगा दिया सितारा ने है कि चलो ये भी मेरी यादगिरी रहेगी। साथ वो झाड़ू दे रही थी और साथ साथ साजे साहब पानी भी गिरा छेड़ रहे थे। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पर वेलकम हो गया। मैं जान की टोटीज छोटी छोटीज एंड पतली मोटी सूखी सबको बहुत सारा प्यार। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरे खर्चे पे तो खुश रह नहीं सकते कुड़ियों। हाई वीडियो शुरू करने से पहले लाइक ठोक दें क्योंकि होता है फ्री में, तो कर दो ना मामा पापा की परियो। जागो जागो, ये बताओ कर क्या रही हो गुन्नीज? मैंने तो अभी लस्सी भी है, हैं क्या आपके यहाँ छाछ कहते हैं ना, मैंने वही भी है। अच्छा जी, चाय शाय को बाय बाय की हुई है, गर्मी बहुत ज़्यादा लड़की हो। अच्छा जी, अपना रिव्यू रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले किसी ने क्या खूब लिखा है, माहिरे नफ्सियात कहते हैं कि इंसान 14 माह से ज़्यादा अपनी फितरत नहीं छुपा सकता, 14 माह से ज़्यादा अपनी फितरत नहीं छुपा सकता, कोई भी कितना मतलब फनेखा बन सके हैं। तो इसलिए बहुत सी दोस्तियां, ताल्लुक, मोहब्बत, रिश्ते 2 साल से ज़्यादा नहीं चलते, क्योंकि जो धोखा देता है उसकी असलियत खुल ही जाती है जब वो देखता है वो मज़ीद हमको धोखा नहीं दे सकता, वो नया शिकार तलाश करने निकल जाता है और इल्ज़ाम हम पर सारा डाल देता है। नया शिकार ढूंढ लेते हैं जब, तो फिर इल्ज़ाम जो है जिसको छोड़ना उस पर डाल देते हैं। ओहो मैंने अच्छा ये इस तरह के लोग ज़्यादा देखे हैं अपनी लाइफ में, इस तरह की चीज़ें देखी हैं कि लोग शादियां कर लेते हैं या फिर मोहब्बतें रचा लेते हैं, लव स्टोरियां बढ़ा लेते हैं ना। आजकल ये बहुत ज़्यादा आम है, पहले तो ख़तो ख़ताबत होती थी या फिर ख़तो ख़ताबत रुक जाती थी, ख़त लिखा करते थे या टेलीफोन होते थे हैं, तो टेलीफोन कर करा के भाई बात आगे बढ़ी, बढ़ी ना बढ़ी तो चलो ठीक है भाई ख़त्म हो गई। लेकिन अब क्या है, अब लोग मिलना जुलना शुरू हो जाते हैं, फिज़िकली बढ़ जाते हैं और वीडियोज़ और पता नहीं पिक्चर्स क्या कुछ शेयर कर रहे होते हैं और जो है फिर बाद में ब्लैकमेलिंग तक भी आती है। अभी एक वाकया हुआ है कि बीवी को ही सबका शौहर ने इतना ब्लैकमेल किया कि फिर उसी औरत ने आखिरकार उसको जो है पकड़वा लिया पुलिस में और फिर पूरी उसकी वीडियो शीडियो भी बनाई जहाँ पे वो ब्लैकमेल कर रहा था और उसको कहता था तुम्हारी मेरी जो वीडियोज़ है ना वो मैं लीक कर दूँगा, तू जो है मुझे मिल। फिर वो मिलने जुलने जाती रही फिर डर के मारे, फिर उसके बाद जो है उसने आखिरकार जान छुड़ाने के लिए ना वीडियो ही उस बंदे की बना ली चोरी से और वो फिर उसको ब्लैकमेल कर रहा था उस वीडियो में भी, मतलब वो जो चोरी से उस औरत ने वीडियो कैमरा छुपा के वीडियो बनाई उसमें वो वाकई वो कह रही थी आपने मेरी वीडियो क्यों फिर भी लीक कर दी, मैं तो अपने फिर भी मतलब आती रही अपना घर दाव पे लगा के मेरा दूसरा घर क्यों ख़राब करना चाह रहे हो तुम, तो वो धमकियाँ शमकियाँ दे रहा था बस वो मैंने कर दी है ये है वो है, तो इस तरह से खैर फिर वो उस बंदे को पकड़वा लिया गया। लेकिन अब मैं दोस्तियों की अगर आप लोगों को बात बताऊं तो यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है, एतमाद नहीं है किसी पे, खुदारा मत करें ऐसा। पहले लोग यारियाँ दोस्तियाँ लगा लेते हैं फिर बाद में कहते हैं जब खुद मन भर जाता है तो फिर कहते हैं यारी करेक्टरलेस है, जो मेरे साथ फंस सकती है वो किसी के साथ भी फंस सकती है, तो यहाँ पे फिर औरत को ही जूठा बना दिया जाता है। ठीक है जी, तो एहतियात करें ऐसी चीज़ों पे और मत करें किसी पे भरोसा, खुदारा मत करें भरोसा, उस पे करें जो आपके घर सीधा सीधा आपको पसंद आ गया तो आपके घर रिश्ता भेज दे तो वहाँ चलो समझ में भी आता है।
कहते हैं कामयाबी की हर सीढ़ी पर एक कुत्ते से आपका वास्ता पड़ेगा, उससे उलझे बगैर आगे बढ़ने वाला ही मंजिल तक पहुंचता है। ये बड़ा प्यारा मैसेज लगा मुझे, अच्छा लगा कि कामयाबी की हर सीढ़ी पर एक ना एक कुत्ता आपको ज़रूर मिलता है, लेकिन आपका वास्ता किसी ऐसे कुत्तों से ज़रूर पड़ता है, ठीक है जी। लेकिन आप उससे उलझे बगैर आगे बढ़ने वाले ही बने, क्योंकि मंजिल तक वही इंसान ही पहुंच सकता है जो बगैर उससे वास्ता किए बगैर चुपचाप अपने काम से काम रखे। बिल्कुल सही है, और कुत्ते भी लिटाए हुए हैं सीढ़ी में कुत्ते भी लिटाए हुए हैं सीढ़ी में, पता नहीं नज़र आ रहे हैं नहीं आपको। तो खैर, हाँ, जिसने भी लिखा है सही लिखा है भाई। बीवी नंबर वन। सबसे पहले मैं एक कमेंट पढ़ लेती हूँ, हमारी बड़ी प्यारी सी आपा हैं अम्मा वड्डी को, तो फिर नाराज ही हो जाती है, कहती है मैं तुझे अम्मा वड्डी लगती हूँ। अच्छा, कहती है नौशी, आज सितारा के व्लॉग ने मेरा दिल खुश कर दिया। कसम से मैं ऐसा ही चाहती थी सितारा से कि अच्छे कपड़े और अच्छे मेकअप में फ्रेश होकर व्लॉग्स बनाए। जिस तरह सितारा खुलकर हंस रही थी, मैं भी उसी तरह हंस रही थी यार, बिल्कुल इंडियन एक्ट्रेस लग रही थी। साजिद ने भी दिल खुश कर दिया, बस मुझे समझ नहीं आ रही कि किस तरह इसकी तारीफ करूँ। अनीता भी दबी दबी हंसी जा रही थी, हाँ वीडियो बनाई जा हंसी जा रही थी। वो बिल्कुल दिहाती है ना, उनके लिए बिल्कुल न्यू चीज़ है उन लोगों के लिए, अनीता वगैरह के लिए। हाँ, वो हंसी जा रही थी। और जो है सितारा वहाँ बहुत मासूम लग रही थी कि अब्बू मुझे देखकर हैरान हो रहे हैं कि मेरी बहू को क्या हो गया है, किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं। घर में बहू को ऐसा ही रहना चाहिए। और रात को जो है सितारा के जो हेटर्स हैं उनकी लाइवें लग गईं, और शरीका नू अग लग दी मठी मठी, शरीका नू अग लग दी मठी मठी जी मैंने थोड़ी सी सुनी एक दो, उसमें बहुत बुरा बोला जा रहा था, बीवी नंबर वन ने गलत मैसेज दिया है, बीवी नंबर वन ऐसे होती है वैसे होती है, इसको माँ नंबर वन बनना चाहिए, इसको जो है पाकिस्तानी कोई करेक्टर करना चाहिए था, चार सूबे हैं उसमें से किसी का भी वो लुक क्रिएट करती। तो भाई वो जब मरी जाती है वो मरी वाली लुक क्रिएट करती है, जब वो घर में होती है पाकिस्तानी औरत बनी रहती है, वेस्टर्न तो नहीं बनी रहती और उसके बाद जो है अब उसने चेंजिंग चाहिए अपने व्लॉग में, उस पर भी हम बात करते हैं। तो खैर, मुझे लगता है कि माँ नंबर वन तो वो हैं, माँ नंबर वन इसलिए कि आप लोग कौन कौन, आप उसी लाइव में उस बंदे को फिर डिस्कस कर रहे थे और नाम ले लेके जहाज़ का बार बार, और बहुत सारे इल्ज़ाम और भी खैर आप लोग लगा रहे थे। अब मैं उसकी डिटेल में तो खैर बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मैं सरसरी से अपने पॉइंट या रिव्यू रिएक्शन दूंगी। अगर माँ नंबर वन तो है, अगर आप लोग इल्ज़ाम लगाते हो या आप लोगों के पास वो बंदा आके इल्ज़ाम लगाता रहा है, तो अगर वो ऐसी वैसी बंदी होती तो उसने कोई ना कोई कदम उठा लेना था, जबकि उसकी वालदा और उसकी बहन उसके साथ थे, उसका भाई भी उसी के साथ था, तो बहाना अच्छा था, ठीक है जी, और वो अच्छे से निकल आती। माँ नंबर वन है, उसने वाकई जो है बर्दाश्त किया है, उसने कहा कि यार मैं अपने बच्चों की खातिर ना डिवोर्स नहीं लेती, मैं इसी बंदे के साथ ही गुजारूंगी जिसने मेरे साथ बेवफाई की है, ठीक है जी। और बाकी आप लोग कह रहे थे बच्चों को डोनेशन से कपड़े मिल जाते होते हैं, जिस तरह के ये लेके देती है, देखें जी वालदैन का दिया हुआ ना वो बड़ा प्यारा होता है, हमसे पूछो, मैंने पहने हैं डोनेशन के कपड़े, ठीक है ना, रो भी रही होती थी और मैं कहती भी थी, खैर शुक्र भी अदा करती थी कि किसी किसी के वालदैन वो भी नहीं दिलवा सकते, या फिर वो कहते हैं बीवियों के साथ साथ बच्चों को भी तलाक ही दे देते हैं कि ये तू मेरा है ही नहीं, रबते ताल्लुकात ख़त्म कर देते हैं, कुछ वालदैन ऐसे भी होते हैं। लेकिन खैर, अल्लाह ना करे किसी को डोनेशन के कपड़े मिले, जबकि उनके वालदैन अच्छा पैसा कमाते हैं और वो खर्च भी करते हैं। बाकी जो है कौसर को ये जो है अपनी व्यूवर्स की बात नहीं मानती, हम कहते हैं इनके व्यूवर्स कहते हैं कि कौसर को वीडियो में ना लो, कभी भी नहीं लिया, तो ब्लॉगर नंबर वन तो बनी नहीं है, ये है वो है, बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं। लेकिन मेरा पॉइंट ये है वालदा के ऊपर कि वालदा तो बनी है नंबर वन, पढ़ा रही है अच्छे से, अच्छे स्कूलों में पढ़ा रही है यार, और कपड़े भी बड़े अच्छे पहनाती है, बच्चों को जो खाना हो वही खरीद के देती है,
बच्चों ने जहाँ घूमना हो फिरना हो उनकी हर ख्वाहिश पूरी करती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। हम तो अपने वालदैन से रो रो के पेंसिल और कॉपी के भी पैसे बमुश्किल मिलते होते थे। मुझे याद है मेरी सेकंड मदर को पैसे दे के गए फीस के, मेरे सामने पड़े थे पैसे। अब उन्हें कहा कि मैं जॉब पे जा रहा हूँ, बच्ची को दे देना आप फीस, तो उन्होंने नहीं दिए थे। उन्होंने मतलब इनकार कर दिया। उन्होंने कहा आप बच्ची को ये स्कूल में देंगे पैसे, आप घर में रखें, इनसे घर से घर के काम करवाएं, ये वाली चीज़ें होती थी। तो बात यह है कि हमें तो रो रो के ये चीज़ें बचपन में मिला करती थी। मुझे छोड़े चलो, हमारा तो सेकंड मदर वाला सिस्टम था, जिनके जो जो है ना अपने भी वालदैन होते हैं ना, तो वो ऐसे गुर्बत वाले हालात होते थे या ऐसे सादे हालात होते थे कि आपको अगर कोई चीज़ खरीदनी होती थी तो सालों लग जाते थे, महीने लग जाते थे चीज़ उस चीज़ को पाने के लिए। तो ये आजकल के तो बच्चे बड़े खुश नसीब हैं, मुंह से बात निकालते हैं और फौरन पूरी हो जाती है, और वो पूरी कर रही है, अच्छी से अच्छी लग्जरी लाइफ उसके बच्चे गुजार रहे हैं, बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, और उनको मेरे ख्याल से कोई तकलीफ नहीं है। बाकी करिश्मा कपूर की लुक क्रिएट की सितारा ने, और बड़ी बात है, मुझे अच्छा लगा है इनका बीबी नंबर वन करेक्टर इन्होंने जो किया है, इन्होंने एक्टिंग की है जनाब। और ये व्लॉग में न्यू ट्रेंड, इसको ट्रेंड कह सकते हैं, इस बंदी ने ट्रेंड डाला है अपने व्लॉग में। डेली व्लॉग देख के भी लोग बोर हो जाते हैं। उसको डिफरेंट तरीके से पेश किया गया है, डिफरेंट तरीके से रिकॉर्ड किया गया है इस व्लॉग को। और ये जो टेक्निकल लोग होते हैं या कंटेंट क्रिएटर होते हैं, वो इन चीज़ों को जो है पिक करते हैं और ये करते हैं, काम करते हैं अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, अपने काम को अट्रैक्शन मिलाने के लिए। आप ड्रामा बनाते हैं, आप फिल्म बनाते हैं, आप व्लॉग बनाते हैं। मैं इसके बारे में भी कहीं देख रही थी कि बड़े व्लॉगर थे, उनका कोई इंटरव्यू हो रहा था, तो उसमें कहा जा रहा था कि यार आप कह सकते हैं कि व्लॉगरों ने आके टीवी को मात दी है, टीवी को मात दी है, पब्लिक काफ़ी सारी छीन ली है यूट्यूब ने आके, ठीक है ना। यूट्यूब पे फिर व्लॉगर भी हैं, फिर काफ़ी सारे हैं, लोग पसंद करते हैं। अभी मैं वो देख रही थी, वो जो लोग अक्सर अकेले निकल जाते हैं ट्रिप पे, और वो जंगल में, और वो हैक कहेंगे क्या कहेंगे, इस तरह से वो कर रहे होते हैं हैकिंग वगैरह, तो मुझे वो बड़े पसंद है। मैं उनको देखती हूँ तो बड़े अच्छे लगते हैं मुझे, वो जो जाके घर बनाते हैं और अकेले अकेले ही व्लॉग बना रहे होते हैं, तो भाई मिलियंस उनके व्यूज़ होते हैं, और उनका बहुत मुश्किल वो वाला कंटेंट होता है, वो कंटेंट को लेके चल रहे होते हैं। मैं कहती हूँ बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं कि आप वहाँ पे कैमरा रख के गए हैं और वहाँ पे आप जा रहे हैं, फिर वापस आएंगे आप कैमरा उठाने के लिए, उसको एडिटिंग करने में भी बड़ा रोला पड़ जाता है, मसला होता है, ठीक है जी। तो इस तरह से जो है ये क्रिएट करना चीज़ों को, कंटेंट बनाना और अपने व्लॉग में डिफरेंट चीज़ लेके आना, पब्लिक को दिखाना बड़ी बात होती है, और उसको अट्रैक्शन की तरफ लेके आना। अब जैसे कि डकी है, वो जनाब आजकल क्या कर रहे हैं, वो बकरा दुम्बा लेके आए हैं, बकरा लेके आए हैं, ऐसे ऐसे वो जा जाके जो है रेट दिखा रहे हैं, वो उसको कैश करवा रहे हैं। 15 दिन 20 दिन पहले से उस बंदे ने उस चीज़ को कैश करवाना शुरू कर दिया। अब ये बंदी है, औरत है, अब ये तो नहीं बकरा मंडी जा सकती, आप लोगों को ये वाले व्लॉग दिखा सकती। तो जो है वो लड़का है, वो चला जाता है, और खैर गर्मी से भी जो बुरा हाल था, ओ मेरे रब्बा, शदीद गर्मी, अल्लाह बस बख्श दे, जानवरों को भी जिंदा ही रखे हैं, जितनी गर्मी है बस सही रहें, सबके नसीब में हो, और बाकी जो है इंसान, उन इंसानों का तो वैसे ही बुरा हाल है, अल्लाह माफ़ करे गर्मी से। खैर अच्छा लगा व्लॉगिंग से हट के कंटेंट, न्यू कंटेंट दिखाया सितारा ने, और चेंजिंग वाला था, साड़ी पहनी उन्होंने, और उसके बाद जो है तैयारी श्यारी की, और उसके बाद जो है चुटिया बनवाई, अनीता से चुटिया बंधवाई, और करिश्मा कपूर ने जिस तरह फूल लगाए हुए थे साड़ी पहन के और चुटिया बनाई हुई थी, उस तरीके से अपने आप को तैयार किया, हल्का फुल्का सा मेकअप पहना किया, बल्कि हल्का फुल्का सा मेकअप पहना, फिर ज्वेलरी पहनी, फिर उसके बाद फूल छूल लगवाने के लिए गई अपने साजन के पास, सज्जू के पास गई फूल लगवाने। मैं सोच रही थी वो कहेगा कि मैं नहीं लगाता,
तो खैर वो लगा दिए उसने, वो शर्माता कुछ ज्यादा ही है सितारा के सामने। ऐसे लगता है जैसे उसकी टीचर है, वो शर्मा जाता है। तो खैर साजा सितारा ने कहा अब ये ना कह देना कि मैं मधुरी लग रही हूँ, आज मैं करिश्मा बनी हुई हूँ। कहता नो नो नो, मेरे सामने अभी भी आप मधुरी हैं, मेरे जबान पे वही नाम अटका हुआ है मधुरी, आप मधुरी दीक्षित हैं। हाय अल्लाह। आज चाची उसके बाद जो है वो कहती है चलो ठीक है ऐसे ही सही है। और उसके बाद जो है सितारा ने कहा कि बीवी नंबर वन बोलो, मैं क्या ये नहीं बोलेगा, डर रहा है, लेकिन खैर डरते डरते बोल ही दिया, बीवी नंबर वन, बीवी बीवी नंबर वन, बीवी नंबर वन, बीवी बीवी नंबर वन। तो मैं कहा तेन दसेगी फिर कौसर है कि किस तरह तू कह रहा था वहां गुनगुना रहा था, तो आ रहा जरा तू चंबूटी काटू इस तरह करेगी। और उसके बाद खैर उसने गा ही दिया आखिर बीवी नंबर वन, और खुद जनाब साजो साहब खुद बने गंजे सलमान खान, क्या गंजे सलमान खान बने सज्जू भाई, पैंट शर्ट पहन के आया। उन्होंने कहा तो करिश्मा बनी है ना, तो मैं भी फिर सल्लू बनूंगा। है सलमान खान की मूवी बीवी नंबर वन, करिश्मा कपूर और सलमान खान की जो मूवी है उसमें जनाब करिश्मा का किरदार तो अदा किया सितारा ने, लेकिन सलमान खान का सज्जू ने किरदार अदा किया और पेंट शर्ट पहने। पेंट शर्ट मैंने कहा कोई जरा अच्छी सी शर्ट पहन के आएंगे, चिट्टी शर्ट पा के आएंगे जो टेट बहुत ज्यादा लंबा वड्डा चौड़ा लगे भाई साहब, थोड़ा डार्क कलर पहन लेते हैं। चलो मर्जी है उनकी है। उसके बाद जो है और उसके बाद जो है सितारा ने गिलास वगैरह तैयार किए, जैसे माँ रोटी हल्की फुल्की दिखाई उन्होंने, बकायदा एक स्क्रिप्टेड ही था भाई सारा, उनको जो अदा किया है वो अच्छे तरीके से अदा किया है, अपना एक करेक्टर को जिस तरीके से निभाना चाहिए उस तरीके से इन लोगों ने निभाया है। दूध शूद बनाए, बच्चों को दिया, अब्बा को दिया, अब्बा भी बड़े हैरान परेशान हो रहे सी, मेरी नौ आज हिली जुली जा रही है, रेखा बनी हुई है। तो उसके बाद कलर भी अच्छा लग रहा था साड़ी का, पिंक आर्ची गुलाबी कहते हैं इसको, पिंक आर्ची गुलाबी इस तरह से कुछ। और उसके बाद जो है सलमान खान भी आ गए हैं, वो भी किचन में साथ साथ थे। पहले तो उसे दूध ही पिलाया ना, हस्बैंड को दूध पिलाया, बच्चों को दूध पिलाया, और फिर काम के लिए कह रही थी कि जाओ ये करो वो करो। कहता है, कहती है मैं तुम्हारी बीवी नंबर वन हूँ, तो कहता है सारा दिन काम ही तो करता हूँ मैं, तो काम कर करके थक गया। उसने कहा काम तुमने खुद बढ़ाए हैं, दो ब्याह करके हैं, मुझे ना ताने दिया कर, खुद ही बढ़ाए हैं तूने अपने काम जिंदगी के। कहते हैं क्या है, क्या कहावत है यार, थे जिसके अंजाम गंदे ऐसे कुछ है। हाय अल्लाह, मेरी कहावतें ही बेहोश हो जाती हैं, जब मुझे कहावत आती है उस टाइम मुझे कहावतें ही बंद हो जाती हैं। तो खैर वो ये वाला भी अच्छा था, ये तुमने अपनी दो शादियां करके खुद ही अपना काम बढ़ा दिया है। उसके बाद जनाब चिकन पुलाव बनाती हैं सितारा और कस्टर्ड बनाती हैं दो कलर के अपने बच्चों के लिए, और फिर साथ साथ किचन में खड़ी होकर कह रही थी बोलो 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 बोलो, मैं हूँ बीवी नंबर वन। मेरे को चम्मच तो है नहीं, तो पखा तो जरूर पे है मेरे को, समझ मुल्तानी पखा है। अच्छा तो वो जो है ऐसे चम्मच लेके खड़ी थी बोलो 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 बोलो, मैं हूं तेरी बीवी नंबर वन। कहता इसी से ही डर लगता है। साजन कहता इस चम्मच से ही डर लगता है। ये भी अच्छा था, साथ में पंच मार रहा था, कहता बस मुझे इसी से ही डर लगता है। अच्छा उसके बाद वो जनाब झाड़ू झाड़ू वाला सीन था, वो कहती है आप मेरे पे हवा दें, वो हाथों से हवा दे रहा था, फिर कहती है अच्छा रहने दो, सिर के ताज हो मेरे, बैठ जाओ मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो फिर वही लगाओ लगाओ झाड़ू, तुम ही तो बीवी नंबर वन हो, इस तरह से फिर आपस में हंसी मजाक करते रहे। साथ वो झाड़ू दे रही थी और साथ साथ साजे साहब पानी भी गिरा रहे थे, हैं छेड़ा छेड़ी कर रहे थे कि और पोछा लगाओ और तुम काम करो।
छेड़ रहे थे, बनो ना आज बीवी नंबर वन, ये लो और काम करो और काम करो, पोचे लगाते हुए। वो भी अच्छा सीन था जहाँ पोचा लगा रही थी और कह रही थी तरह मेरा ससुर बैठा है, कुछ बोल भी नहीं सकती, कहेगा ये किस तरह के कपड़े पा के फिरी जा रही है। वो भी अच्छा सीन था, अच्छा लगा है, डिफरेंट था, जबरदस्त था। नॉर्मल व्लॉग जैसे चल रहे होते हैं उससे हटके भी थोड़ा कंटेंट लेके आना चाहिए, अच्छा लगता है। और उसके बाद अच्छी एक्टिंग की, लोगों के कमेंट बड़े ज़बरदस्त आ रहे थे, लोगों ने कमेंट में बड़ा पसंद किया है, डिफरेंट चीज़ लेके आए हैं ये लोग और इसलिए जो है लोग भी बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे। अनीता भी बड़ी हंसी जा रही, हंसी निकली जा रही। खाना शाना खाने के बाद ज़बरदस्ती इनाम भी लिया हस्बैंड से कि मैनू इनाम दे, मैं नहीं हूँ, मैं बीवी नंबर वन हूँ तो मुझे इनाम भी दो। तो साजे साहब ने उन्हीं की गाड़ी की चाबी दे दी, ना ए नहीं चलनी, मुझे सच्ची में इनाम दो, तुम्हारे बटवे पैसे बड़े थे, मुझे पैसे दो। पैसे छीन के भाग गई, पीछे वो भी भाग गया। फिर उसके बाद उसे कहा चाय बनाओ मेरे लिए, फिर साजे साहब ने चाय बनाई। तो उसके बाद वापस आती हैं, बल्कि वहाँ पे बैठे हुए कहती हैं कि आप मुझे साड़ी खरीद के दें अपने पैसों से, मैं संभाल के रखूँगी और मैं लोगों को कहूँगी ये मेरे हेयर बैंड की निशानी है, उसने मुझे लेके दी थी, तो मुझे ही आप लेके दें। तो खैर वो आई चलाई ही कर रहा था साजिद। उसके बाद पैसे तो उसने मेरे ख्याल में वापस किए या नहीं किए, लेकिन अच्छा लगा। फिर बाद में वो वाला सीन, बटन लगाने वाला सीन भी बड़ा अच्छा था, ज़बरदस्त था। उससे पहले खैर फूल दिए, फूल साजु साहब दिए और मुस्कराती रहो, हंसती रहो, बस मेरे फूलों को याद करती रहो। फिर उसके बाद बटन, उल्टा बटन लगा दिया सितारा ने, है कि चलो ये भी मेरी यादगिरी रहेगी, उल्टा बटन मेरा जो है तुम लगाए रखना, इसको मत उतारना। और साजु साहब आधी नींद में ही तारीफें की बीवी की, बड़ी प्यारी लग रही हो, हसीन लग रही हो, है इस तरह से सलमान बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ना बड़े टेढ़ थे गंजे सलमान, नहीं हो पाया क्योंकि उसको नींद चढ़ी हुई थी। लेट नाइट भी आई थिंक हो गया था इनका, बहुत देर हो गई थी इसलिए वो बेहोश हुआ फिर रहा था साजिद। और फिर उसके बाद जो है वो तो फौरन भाग गया, जाके सो भी गया, खराटे ले रहा था। उसके बाद सितारा भी हालांकि फौरन वही चाय लेके चली गई है, तो वो खराटे ले रहा था, सो गया था। खैर उसके बाद जो है सितारा ने कहा बहुत अच्छा लगा, हमने तो खूब इंजॉय किया व्लॉग बनाते हुए भी, और उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और मुझे बड़ा अच्छा लगा साजिद ने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया, दिन को ये वहाँ से हो आए थे कौसर की तरफ और रात को ये यहाँ पे, मैंने शाम को कहा था जल्दी आना हम वीडियो बनाएंगे, तो उसके बाद जो है एक रात वहाँ रह रहे हैं, किधर रह रहे हैं। और आगे मैं जो है और भी व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन मुझे आज बहुत अच्छा लगा साजिद ने मेरी तारीफें की, तो मेरे साथ भी रहे, काम शाम में लगे रहे और व्लॉग बनाने में हेल्प की, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो बाकी जो है एक दिन मैं जो है रानी सारा दिन बनूंगी, मतलब मलका कहें रानी कहें, और मैं इस तरह से जो है व्लॉग बनाऊंगी एक दिन का। बाकी बीवी नंबर वन आप हैं जी, और बीवी नंबर वन क्या आप बेटी नंबर वन भी हैं, आपने ख़ानदान वालों को, जैसे कि आपकी भाभी भी कह रही थी कि रोज़गार मुहैया किया, आपकी अपने चैनल बना के दिए, आप की वजह से जाने जाते हैं, आप लकी हैं सबके लिए। और उसके बाद हस्बैंड के साथ भी अच्छे से रह रही हैं, बाकी नोक झोंक लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं, सौतने होती हैं ना, उसमें मसले मसाइल भी होते हैं, हस्बैंड मुझे टाइम दे, वो कहती मुझे टाइम दे, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये कोई बहुत अहम नहीं है। इकलौती बीवी भी हो ना, तो उसके उनके भी हस्बैंड अक्सर बाहर दोस्तों के साथ ही रहते हैं, तो उनको भी शिकायत रहती है, उनके भी घर लड़ाई रहती है, एक बीवी हो या दो हो, मसले तो हर घर में होते हैं भाई। तो बाकी सही जा रहे हैं, नंबर वन माँ भी हैं और बाकी खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आया व्लॉग का, डिफरेंट व्लॉग था, डिफरेंट तरीके से एक्ट किया, लोग कुछ भी बोलते हैं बोलते रहें, आप आगे बढ़ती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।